श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। लेकिन तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं शिरडी में मिलूंगा। भक्त संजी माता के जय, साईनाथ महाराज के जय, रंग बले के छत्रपति शिवाजी महाराज के साईं बाबा के। गाइस यहां से ट्रैक शुरू होता है सप्तशृंगी माता का। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, साईं बाबा के जय। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौशिक पटेल, आप देख रहे हैं बाइसिकल व्लॉग। तो आज है लास्ट डे शिरडी पद यात्रा, और जो मैनेजमेंट टीम थी वो ये रही, चेतन भाई के साथ, हिरन भाई, विकी भाई और यह हार्दिक भाई है। हाँ, जो ही वो आगे निकल गया है। हाँ, और ये दो भाई जो बाकी है वो सेवा में, जिन्होंने इतने मतलब कितने 6 दिन लगातार पानी खाना जिसकी भी ज़रूरत थी सब पूरा किया है। तो इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो गाइस 2:30 बजे हैं और हमें जाना है अभी 18 किलोमीटर तक। हाँ, सब जल्दी निकल गए, मैं और जदी भाई है साथ में। तो बस अभी बने ब्लॉक के साथ, जय साईनाथ, आज साईं बाबा से मुलाकात हो ही जाएगी और पद यात्रा का अंत। तो चलो साईं की चौखट पे सवाली जो कोई भी आता है, झोलियां उसकी भरते हैं बाबा, वो मन की मुरादे पाता है। चलो शिरडी को जाना है, चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मन। तो गाइस फिर से एक नई सुबह की शुरुआत, और आज दिन है 6। आज 6th दिन पर साईं बाबा से मुलाकात हो रही है हमारी। अभी भी शिरडी की दूरी 5 किलोमीटर है और पहुंचने वाले, और मेरी फर्स्ट टाइम, और पूरा ट्रैक कम्प्लीट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट है। बस बने ब्लॉक के साथ। नाना है हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दर पे सारा जमाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना। तो शिरडी
आ गए और साईं बाबा का मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस ऑलमोस्ट हमारी यात्रा समाप्त होने ही वाली है। और देख लो सुबह 6 रात और आज की रात तो हम शिरडी में ही रुकने वाला है, तो और भी मजा आएगा। तो बस बने ब्लॉग के साथ, जय साईनाथ। बंदों की सुनता है साईं सबके दिल में। जय सूर्यदेव, जय साईनाथ। तो आज हमें साईनाथ महाराज के दर्शन हो गए और सूर्यदेव के भी दर्शन अभी हो गए हैं। तो आज की सुबह हमारी कुछ इस तरह से, बस अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी जाना नहाने के लिए, फिर दर्शन करेंगे। तो बन है ब्लॉग के साथ। जय साईनाथ, जय साईनाथ। तो गाइस अभी हम रुके हैं पालकी धाम और यहाँ पे नहा कर अभी ये दो दोस्त हमारे साथ जयदीप भाई और अजय भाई के साथ हम जाएंगे साईं बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मंदिर, तो चल के जाने वाले हैं ये हमारे दो दोस्त और हम। और साईं बाबा की जय। तो चलो चलते हैं। सबका मालिक एक है वो, बाबा सबको कहता है। हो द्वारका माई में श्री सद्गुरु का स्थान सुहाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। जय जय साईं, जय श्री साईं। जय जय साईं, जय श्री साईं। जय जय साईं कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जय साईनाथ। तो यहाँ पर हमारी पदयात्रा समाप्त होने ही वाली है। साईं मंदिर अभी जीरो मतलब टेंपल आ ही गया और हमने 240 किलोमीटर चला पदयात्रा। मैंने पूरा काउंट किया है, ए वन से पूरा ऐसे काउंट किया है, कितने स्टेप हुए, कितने किलोमीटर हैं, सब बताऊंगा आपको। बस अभी फिलहाल मुझे दर्शन करना है, उसके बाद हम सब आपको बताएंगे पालकी धाम जाकर। तो उसके लिए नोट लेके बिठना पड़ गया कितना किलोमीटर कितना स्टेप, फिर डे वन डे टू ऐसा करके आए। तो बस अभी दर्शन करेंगे वो बड़े ब्लॉक के साथ। गाइस यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉकर में रखना है हमें। तो बस यहाँ पे ही लॉकर में रख देंगे, उसके बाद ही मिलेंगे दर्शन के बाद ही। तो बने Oh।
गाइस दर्शन हो चुके हैं और अभी यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, पता नहीं जयदीप भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, बस ऐसे ही बना दी भैया मंदिर फोटो, बस ऐसे ही चल के जा रहे हैं, बस बने व्लॉग के साथ। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, थाली खाएंगे 99 रुपीज ओनली। वैसे भंडारे में जा सकते हैं लेकिन देर ज़्यादा हो गई है तो लाइन भी बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए अभी यहाँ पर ही 100 रुपये में हो जाएगा मैडम 99 में, तो बस वही थाली खा लेंगे उसके बाद वापस अपने हो गया पालकी धाम है ना वहाँ पर जाना है, और आज के दिन यही रुकने वाले हैं। और वहाँ पालकी धाम में बहुत सारे नज़ारे हैं वो जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो सुबह दिखाने को रह गए थे तो बस बने ब्लॉग के साथ। तो गाइस अभी हम फिर से जा रहे हैं पालकी धाम और देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ भी थे, इन लोगों को दिखा दो, हाँ कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है हमारे भाई लोगों ने, हमारा सिर्फ इतना है प्रसाद है। तो बस भाई पालकी धाम पे ही मिलते हैं, वहीं धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और यात्रा फाइनली ओवर, तो खुशी तो है दर्शन किए अच्छा लगा, बस अभी बने ब्लॉग के साथ। गाइस साईं बाबा के दर्शन करके हम पालकी धाम 2 बजे आ गए थे, उसके बाद सो गए और अभी बज रहे हैं 4:30, नहीं 4:45 मतलब 5:15 बाकी है, तो बस अभी यहाँ पे कुछ ऐसे घूमेंगे उसके बाद यहीं पे नाइट रुकने वाले हैं और कल सुबह निकलेंगे, तो बस अभी बने ब्लॉग के साथ।
गाइस ये पक्षी घर है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, मुझे इसका नाम नहीं पता, बस ऐसे फोटो शूट पर दिखा रहा हूँ, नाम पता है तो कमेंट में लिख देना, तो दिखाते हैं अभी बने ब्लॉग के साथ। साचार मेरे साईं सरकार, ओ मेरे साईं सरकार, मेरे साईं सरकार, मेरे साईं सरकार, मेरे साईं सरकार, ये शिरडी अवतार मेरे साईं सरकार। सभी हम आ चुके हैं प्रसाद ले, रात का खाना हमारे यहाँ पर, खाना तो अच्छा लग रहा है। फाइनली बाय बाय शिरडी, पद यात्रा इज ओवर एंड फाइनली कितनी तारीख है, 23 नवंबर को घर पे जा रहे हैं यहाँ से, सात बजे 2 मिनट हुए, तो फाइनली अभी दर्शन जो है बहुत ही मज़ा है, पूरा यादगार रहा, और बस अभी बने ब्लॉग के साथ यहाँ से पालकी धाम से निकलते हैं ना, तो बैक के शूट दिखाते हैं आप, तो मज़ा आएगा, तो बने रहो ब्लॉग का।
तो जर्नी की आज की चली सुबह, कल से तो घर पे ही होगी हमारी सुबह, और ये आज होगी लास्ट वाली। वो अभी घर जा रहे हैं, देख लो हालत तो वैसे तो ज़्यादा बुरी नहीं है हमारी, सब बढ़िया ही है। बस अभी बड़े हम लोग के साथ कहाँ कहाँ रुकने वाला है कुछ पता नहीं, बस वेदर को इंजॉय करते हुए जाएंगे आज। तो बने ब्लॉग का साथ।